आज ना बहुत ही मजेदार सा एक डेजर्ट बन रहा है ढेर सारे फ्रेश फ्रूट्स के साथ। मैं बना रही हूँ क्रीम फ्रूट और ऑब्वियसली ये मेघना के स्टाइल में होगा। बहुत सारी फैट हम नहीं इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें भी एक ट्विस्ट रहने वाला है। तो पहले मैं बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स चॉप कर लेती हूँ। आपको पता है ये सारे फ्रूट्स ना आज मैंने किसान कनेक्ट से ऑर्डर किए हुए हैं। एक्चुअली किसान कनेक्ट से फ्रूट ऑर्डर करने का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है कि सीधा फार्म से आपके घर सारे फ्रूट्स पहुंच जाते हैं, तो वो हमें टेंशन नहीं रहती है कि कहाँ आपने वो कोल्ड स्टोरेज में रखे होंगे फ्रूट्स आए हैं, या तो फिर बहुत देर तक रोड पे रहते हैं। ये जो आज क्रीम फ्रूट मैं बना रही हूँ ना, उसमें मैं ढेर सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। पपाया, पेयर और एप्पल, ड्रैगन फ्रूट और बनाना। अब बारी है ड्रैगन फ्रूट की। ये इतने स्वीट आते हैं और जब भी ऐसा कुछ बनाना होता है ना कि क्रीम फ्रूट बना रहे हैं या तो फिर फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो ये फ्रूट्स ना बहुत अमेजिंग होते हैं, इतने स्वीट होते हैं। आपको पता है किसान कनेक्ट के मैं फार्म में गई थी और मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर देखा था। ओ माई गॉड, मतलब मैं तो ना वो देखती ही रह गई थी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि इतने खूबसूरत फ्लावर में से फिर वो ड्रैगन फ्रूट कन्वर्ट होता है। बहुत ही मज़ेदार साइट था वो। अब काट लेते हैं एप्पल और अब थोड़ा सा ये पेयर भी मैं डाल देती हूँ। फ्रेश फ्रूट्स ना मेरी तो वीकनेस है, इसमें से आप कुछ भी बना के मुझे खिला दो, मैं कभी भी खा सकती हूँ। और अब मैं एक बनाना भी ऐड कर देती हूँ। तो ये गई ग्रेप्स और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये कुछ पोमोग्रेनेट के दाने हैं मेरे पास, ये भी हम डाल देते हैं। और अब सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। एक्चुअली आपको जो भी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चीकू भी ऐड कर सकते हैं, मैंगो की सीज़न में मैंगो भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कुछ रोस्टेड, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है जिसमें मैंने बादाम ली हुई है, काजू और पिस्ता लिए हुए हैं। ये जाएंगे, ये ना एक अच्छा सा क्रंच देगा आपके फ्रूट क्रीम को। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 3 चम्मच शक्कर। ये पीसी हुई शक्कर मैंने ली हुई है। एक्चुअली फ्रूट्स ना इतने स्वीट हैं कि अगर आप शक्कर अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और सिंस हम लोग क्रीम फ्रूट बना रहे हैं, तो मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ कुकिंग क्रीम। ये मैंने 3/4 कप लिया हुआ है फ्रेश क्रीम, कुकिंग क्रीम आप जो भी कहे वो एक ही होता है, ये मैंने लिया हुआ है। ये 3/4 कप है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। और अब बारी आती है मेघना के ट्विस्ट की। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3/4 कप ही क्रीम लिया हुआ था क्योंकि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये फ्रेश कर्ड, मतलब कि जो फ्रेश वाला दही होता है ना, जिसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आया होता है, वो मैंने लिया हुआ है। और ये भी 3/4 कप ही लिया हुआ है। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। एक्चुअली आप चाहो ना तो 1.5 कप फुल क्रीम भी ले सकते हो, पर दही ऐड करने से थोड़ी सी फैट कम हो जाती है। और एक बार मैं वनीला एसेंस को मिला लेती हूँ और फिर मैं ऐड कर देती हूँ ये फ्रूट्स के साथ। अब सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा डेजर्ट है, नो कुकिंग है, कोई झंझट नहीं है, बस 3-4 चीज़ों को मिलाना है और ढेर सारे फ्रेश फ्रूट्स को कट करके ऐड करना है। और फ्रूट्स लेने भी तो नहीं जाने हैं ना, सिर्फ किसान कनेक्ट की ऐप को डाउनलोड करना है और ऑर्डर करना है। तो लीजिए, बातें करते करते क्रीम फ्रूट तो रेडी है, मैं फटाफट से प्लेटिंग कर देती हूँ। और बस मैं ऊपर से ये कुछ और अनार के दाने डाल देती हूँ और कुछ पिस्ता।
तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजेदार और सुपर क्विक बनने वाला क्रीम फ्रूट। तो अगर आप भी आपके फैमिली के लिए सेफ एंड फ्रेश फ्रूट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो किसान कनेक्ट की ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि किसान कनेक्ट से ऑर्डर करने से जो फायदा होता है वो सीधा किसानों तक पहुंचता है, ना कि बिचौलियों तक। फ्रूट्स इतने फ्रेश है ना, क्रीम फ्रूट में स्वाद को डबल कर देते हैं। अमेजिंग, मस्ट ट्राई रेसिपी।